पर आई वॉज़ प्लानिंग कि मैं घर जाऊँ दिवाली पे, तो आज मतलब कल की मेरी ट्रेन थी झेलम एक्सप्रेस जो 5:20 पे निकलनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत बारिश हो गई, कैब बुक नहीं हुई, तो उसकी वजह से मैं लेट हो गया और ट्रेन मिस हो गई। तो अभी मैं गोवा एक्सप्रेस से जाऊँगा, वहाँ पे टिकट कंफर्म नहीं है, बट ठीक है देखते हैं, जो भी चार्जेस लगेंगे वो पे करने ही पड़ेंगे, घर तो जाना ही है यार। तो कल का दिन बड़ा बुरा रहा, मैं वीडियो बनाने वाला था बट बहुत टेंशन हो रही थी चीज़ों को लेके, तो फिर मैंने कहा चलो अब ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही चलते हैं। ये अपना सामान वामान सब पैक कर लिया अपन ने, पूरा बैग वैग, तो अब निकलेंगे। मैंने कैब बुक कर लिया है, अभी रात के बज रहे 2:30, जंक्शन यहाँ से है कोई 10-12 किलोमीटर, तो जाने में भी आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता आगे, सीट मिलती है नहीं मिलती है, पैदल पैदल का मतलब नीचे बैठ के जाना पड़ता है, देखते हैं आगे। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पुणे जंक्शन, आपको पीछे दिख रहा होगा मेन गेट है यहाँ का। तो अभी देखता हूँ कितना टाइम, अभी ट्रेन को आने में बहुत टाइम है, मतलब 1 घंटे के समथिंग है, 3:15 हुए हैं और 4:15 बजे ट्रेन आई गोवा एक्सप्रेस, तो अभी तो सिर्फ वेट ही करना है। तो देखते हैं अभी जगह मिलती है नहीं मिलती, वो डिपेंड करता है, बाकी थोड़ा सा वेदर अच्छा अभी, मतलब इतनी गर्मी वर्मी नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, यहाँ के लोगों ने जैकेट पहनी हुई है भाई। तो यार मेन प्रॉब्लम जो है ना, दिवाली का फेस्टिवल है तो इसमें ना बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसी की वजह से ना यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, तो टिकट भी नहीं है, तो अभी तो मेरे को सीट का तो ऐसा लग रहा है मिलेगी नहीं, बट ठीक है देखते हैं ना, घर तो जाना ही था। तो दिवाली का फेस्टिवल है तो भाई एडवांस में सबको हैप्पी दिवाली, मे बी व्लॉग उस टाइम पर ना बन पाए, घर पर रहूँगा तो सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, अच्छे से इन्जॉय करना, फैमिली से मिल के आओ जो बाहर रहते हैं सारे। तो यार मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, क्योंकि जो वो एक्सप्रेस है वो आने वाली है नंबर 3 पे, तो मैं जा रहा हूँ उसी से, देखते हैं मिलता है क्या कुछ। तो भाई ये है गेट यार, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है अंदर पूरा, गेट का तो कोई सवाल ही नहीं है, इस बार लोनावला के थ्रू जा रहे हैं ना, ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट हो गया था, तो बॉम्बे साइड से जा रही है दिल्ली के लिए ना, तो लोनावला पड़ता है बीच में, नज़ारे देखो भाई, और ये पीछे भीड़ देख लो। ट्रेन रुकी है भाई, सिग्नल नहीं मिल रहा, तो कहाँ से तेरे को क्या चाहिए था? बूम। क्या चाहिए? बूम। बहुत ही ठंडी लगती है तो। हाँ भाई जगह बहुत सही जगह है, पर रोका इसने वैसे, पीछे देखो एकदम, नहीं पीछे सही में मस्त आ रहा है पीछे ना, मस्त एक नंबर, चले गए पीछे, दोबारा आएंगे दोबारा आएंगे। हाँ ना यार ये भी बात सही है, मोबाइल का ध्यान रखना पड़ेगा, छूट गया तो बन जाएगा वो लोग यहीं पे। वो
गया। तो साथ में हम लोग कितने लोग हो गए, बिल्कुल भी जगह नहीं है सर। एक ये इकलौता आदमी तो मेरे बैग का ध्यान रख रहा है भाई। ये सफर बहुत याद रहने वाला है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल ही गेट पे खड़े हैं। खूबसूरत नजारा, गेट पे बैठने का फायदा हो रहा है पूरा। नदी कौन सी है वो है पता नहीं भाई, कौन से रूट से आ रहे हम। और बढ़िया नजारा है, पहुंच गए हम लोग झांसी पहुंच गए ना। झांसी तो यहाँ पे योगी उतर जाएगा और बहुत सारी दिन तो उतर जाएगी तो हमें बैठने की जगह मिल जाएगी फाइनली। तो अभी हम लोग तीन चार लोग बचेंगे जो दिल्ली जाएंगे, बाकी तो सारे आगरा में उतर जाएंगे। कोई पहुंच गए निजामुद्दीन, बैग वैग टांग लिया, अब सारे लोग अलग अलग जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? इग्नोर जाएगा या हरियाणा जाएगा? अरे मैं जाऊंगा राजस्थान। चलो मैं आ गया हूँ स्टेशन के बाहर, आ गया हूँ निजामुद्दीन। तो अभी मैंने ऑटो कर लिया, अब जा रहा हूँ धोला कुआँ से बस मिलेगी मेरे को जयपुर के लिए, तो वहाँ से मैं बैठ के जाऊँगा। नहीं मैं आ रहा हूँ पैर नहीं रखा था भाई। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, भाई लेना आ गया, अब जाऊंगा घर। तो दिन का हो गया ट्रेवल पूरा ना, 4 बजे चले थे, 4 ही बज गए। 2 दिन का ही हो गया ना, 21 को चला भाई, पैर सूज के बहुत कैड़े। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने घर। ये अपना घर है, खेती बाड़ी का सामान पड़ा, घर वाले इंतजार कर रहे हैं ये घर। चलो।